हेलो फ्रेंड, हम आपको एक गैजेट रिव्यू करके देखेंगे जो बैटरी है। ठीक है, AEW का एक बैटरी है, आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है AEW मॉडल का, और ये है 9 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, ये पैक में देख इस तरह आता है। आप जो देख रहा है यहाँ पे 9 वोल्ट और 6F22M, और इसका कुछ नहीं है। इसमें एक पैक में बॉक्स में आता है जो 10 पीस आता है। ठीक है, और इसका वोल्टेज है 9 वोल्ट। ये यूज होता है मेनली जो डिजिटल मीटर है इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें यूज होता है। हर सारा ये यूज होता है जहाँ पर 9 वोल्ट बैटरी लगा होता है। ठीक है, आप सभी जगह पर ये लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इसमें देखने में जो आप पैकेट के ऊपर जो छवि देख रहा है पिक्चर, इसी प्रकार ये देखने में होगा। और इसके साथ आप खुल के हम दिखाएंगे इसके अंदर कितना बैटरी है। 10 पीस तो बैटरी है इसने लिख दिया। ठीक है, हाँ मैं इसमें थोड़ा खोल लेता। यहाँ पे देखिए पैकेटिंग इस प्रकार रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, और नीचे और एक लाइन है 5। ठीक है, एक बैटरी हमने यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको इधर दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो बैटरी है ये है, आप यहाँ पे पूरे का पूरे डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए जो ये 6F22 9 वोल्ट बैटरी है फोन। ठीक है, और इसके जो पोलारिटी ये है माइनस पोलारिटी, ये है नेगेटिव है पॉजिटिव। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे देखिए सिंबल भी दे प्लस और ये माइनस। ठीक है, और इतना कुछ नहीं। ए फ्रेंड, ए एक ध्यान से सुन लीजिए, ये बैटरी है रिचार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये जो चार्ज इसके अंदर रहता है, स्टोर रहता है, उस चार्ज जब शेष हो जाते हैं ये इसको और चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये चार्जेबल बैटरी नहीं है। क्योंकि कई कई बार क्या होता है, कई लोग इसको चार्जेबल, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा रहता है कई बार जो ये चार्जेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको है तो आप देखा देंगे। यहाँ पे देखिए ट्रांसफर फॉर रीडिंग यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा हम आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है तो हम दिखा देगा। ये तो यहाँ पे देखिए लिखा है डू नॉट रिचार्ज, और ये जो बैटरी है ये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज ये रिचार्जेबल बैटरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, जब आप यूज करोगे तो आपके सामने में एकदम खुला हुआ बैटरी देखेंगे जो ई है बैटरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे HIW यहाँ पे मॉडल थोड़ा अलग है। ठीक है, दोनों बैटरी सेम ही है HW की, लेकिन ये बैटरी का मॉडल थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, और ये जो था ये पुराना वाला था और ये नया वाला आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड, एक बात इस बैटरी यूज़ करने के दो आपको 3 4 बात ध्यान से रखना पड़ेगा। एक है पोलारिटी ठीक से लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो पोलारिटी होता है ये प्लस से प्लस और नेगेट और न्यूट्रल से जो यहाँ पे रहता है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जो होता है ये छोटा वाला जो होता है पॉजिटिव, और ये वाला होता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव देगा और पॉजिटिव के साथ ये है पॉजिटिव छोटा वाला, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव देना पड़ेगा और नेगेटिव के साथ आपको नेगेटिव देना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा सीधा कनेक्ट किया तो बैटरी नष्ट हो सकता है, ये बैटरी डैमेज हो जाएगा। और दूसरा बात है एक टू नॉट इसमें चार्ज मत कीजिए, क्योंकि इसमें चार्जेबल सिस्टम नहीं है, ये चार्जेबल बैटरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज स्टोर रहता है वही ये काम होता है, और जब चार्ज शेष हो जाता है वो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको और नया दूसरा एक लगाना पड़ेगा। फ्रेंड ये वीडियो क्योंकि मेरे बोला था फ्रेंड ने बोला था, 2 4 फ्रेंड जो ईमेल करके बोला, क्योंकि जो ये बैटरी कहाँ से मिलता है और ये बैटरी का फीचर्स क्या क्या है, हम कहाँ से लगवा सकते हो, ये हर 9 वोल्ट डिवाइस पे आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो कि डिजिटल मीटर है और ढेर सारा इस प्रकार का जो चीज़ है जहाँ पे 9 वोल्ट लगा होता है यहाँ पे आप लगा सकते हो। फ्रेंड यही था छोटा सा एक वीडियो, ये वीडियो आपका अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब की, और इसके बारे में कोई सवाल है तो
आप मेरे को पूछ सकते हो। और इस बैटरी को आप ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दूंगा लिंक। थैंक यू फ्रेंड।